नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित घनानंद जी हैं, जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, उनके प्रेम चित्रण पर प्रकाश डालेंगे। घनानंद रीतिकाल के मुख्य कवि हैं। रीतिकाल के तीन भाग होते हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो जो घनानंद हैं वो रीतिमुक्त कवि हैं। रीतिकाल के जो मनमोजी रीतिमुक्त कवियों में घनानंद का स्थान है, वो शीर्ष स्थान है। उनका संपूर्ण काव्य प्रेम एवं भक्ति की ही आरती उतारता रहा है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो इन दोनों में मूलत कुछ भी अंतर नहीं। जब उनके काव्य का आलंबन लौकिक सुजान हो जाता है, तो वह प्रेम काव्य की संज्ञा पाता है। रीतिकाल में जो कवि थे वो राजाओं की प्रशंसा करते थे, लेकिन जो रीतिमुक्त कवि थे, इन्होंने राजाओं की झूठी प्रशंसा न कर अपने प्रेमिका के गुणगान का काव्य रचा है, या फिर भक्ति भावना से प्रेरित होकर अलौकिकता की भी रचना इन्होंने की है। तो जो घनानंद की प्रेमिका थी वो थी सुजान, और सुजान से प्रेरित होकर ही इन्होंने काव्य रचना की है। उनके जो अलौकिक आलंबन का मार्ग लौकिक आलंबन की ओर से ही जाता है, अर्थात जो सुजान उनकी प्रेमिका है वो ही आगे चलकर श्री कृष्ण में परिवर्तित हो जाती है। तो घनानंद जी के प्रेम चित्रण की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। घनानंद के प्रेम में निश्चलता थी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है निश्चलता, कि रीतिकालीन प्रेम का मार्ग कभी रीजू सरल नहीं रहा, उसमें अनेक माध्यमों का सहारा लेना पड़ा। बिना दूती के काम ही नहीं चला। घनानंद सच्चे प्रेमी थे, तो उनके प्रेम में कर्मकांड की कठोरता नहीं, प्रतिदान की आशा नहीं। जिस सुजान को उन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक माना, उसने उनके साथ बड़ी सभा में विश्वासघात किया, पर घनानंद ने कुछ भी नहीं कहा, और वे प्रेम के राजमार्ग पर एकाकी ही चलते रहे। छल कपट, बांकपन, सयानेपन से वे सदैव ही दूर रहे। कहते हैं कि एक बार राजा ने घनानंद को दरबार में बुलाया, और सभी ने बताया कि जो घनानंद है वो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। तो राजा ने के बार बार विरोध करने पर भी घनानंद ने गाना नहीं गाया, और जब सुजान ने कहा कि गाना गाया तो घनानंद ने गाना शुरू कर दिया। तो इससे राजा अपमान ही अपने इससे राजा ने अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया। और जब घनानंद जी दरबार से चलने लगे तो उन्होंने सुजान को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सुजान उनके साथ नहीं चली थी। लेकिन फिर भी ये प्रेम के मार्ग पर चलते रहे और सुजान से ही प्रेम करते रहे। तो उसी के लिए इन्होंने बोला है कि जो प्रेम है वो छल कपट, बांकपन और शयानेपन से हमेशा दूर ही रहता है। तो उन्होंने दो लाइन भी लिखी हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्गु है, जहाँ नेकु स्यानप बांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। वे इतने सहज सरल हैं कि वे सोच ही नहीं सकते कि प्रेमी की निर्दयता का बदला भी लिया जा सकता है। उनके तो प्रिय एक ही हैं, उसके प्रेमी अनेक हो सकते हैं, अतः यदि प्रिय नहीं देखता तो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने दो लाइन लिखी हैं कि मोहि तुम एक, तुम मोह सम अनेका ही, कहाँ कुछ कछु चंदही चकोरन की कमी है। तो जो दूसरी इनकी विशेषता है वो है रूप वर्णन। घनानंद का जो प्रेम है वो रूपजन्य है। कवि ने मोहमनसा रंगीला के दरबार में रहकर सुजान नर्तकी से वस्तुतः प्रेम किया था, और वह प्रेम इसलिए हुआ था कि सुजान रूप का आगार थी। सुजान का जो रूप सौंदर्य था वो बहुत ही सुंदर था। कवि की दृष्टि सुजान के जिस अंग पर पड़ी वह उसी की हो गई। तो सुजान के अंग प्रत्यय से सौंदर्य की ऐसी तरंग उठ रही है मानो क्षण भर में ही अब वो चूं पड़ेंगी, ऐसा रूप नित नवीन लगने वाला है। रावरे सांवरे रूप की नीति अनूप, नयनो लागत ज्यों ज्यों निहारी। कि जैसे जैसे मैं इसको निहारता हूँ ऐसे ऐसे मुझे ये नया लगता है। रूप की ऐसी खानी से ही कवि का प्रेम हुआ है, किसी निर्लम्ब से नहीं। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है अन्यता। प्रेम के पथिक दिखे चाहे
दो किंतु आत्मना वे एक ही होते हैं, कि जो प्रेम करते हैं आपस में वो दो होते हुए भी एक ही होते हैं। पूर्णतया आत्मसमर्पण किए बिना प्रेम कैसा, और घनानंद का प्रेम ऐसा ही है कि उसके प्रेमी के लिए उसे जैसे जाने कितने हैं, फिर भी वह अपने पद से विचलित नहीं होता। हम एक निहारिये टेक धरे तुम छे छेले नेकन सो सरसों। तो जो घनानंद था वो बिल्कुल आत्मसमर्पण की भावना से प्रेम करता था, और वो दो आत्मा न होते हुए एक ही, दो शरीरों में एक ही आत्मा का निवास मानता था। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है विषमता। घनानंद के प्रेम की इस अन्यता के होते हुए भी उसमें विषमता है। सुजान की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं है। इस एकांगिकता से प्रेम में सघनता भी बेहद आ गई है। कवि को दुख सोखे ले रहा है, सुजान को प्रसन्नता है। यह चिंता में भुने जा रहे हैं। सुजान निर्धड़क घूम रही है, वह रो रो कर बेहाल हो रहे हैं। तो सुजान चैन की नींद सो रही है, उन्हें चैन चैन की चैत की चांदनी जलाए डाल रही है, वह आनंद लूट रही है। तो कहने का भाव है कि जो घनानंद का प्रेम था वो एक तरफा था। घनानंद तो दुख में दुखी थे, उसके विरह में दुखी थे, लेकिन सुजान वहीं चिंता रहित होकर और चैन की नींद सो रही थी। तो कवि ने संपूर्णता से जिसे प्यार किया, उसने भूले से भी उसकी ओर नहीं निहारा। इतना ही नहीं, हृदय को टुक टुक करके भी उसने कोई कसर नहीं रखी। नेक्स्ट है संयोग में वियोग। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग जिसमें कि प्रिय और प्रियतमा को आपस में मिलते हुए दिखाया जाता है, और वियोग वर्णन में उनको उनका आपस में बिछुड़ना होता है। तो घनानंद के प्रेम में एक अभूतपूर्व विशेषता उसके संयोग से वियोग होना है। वियोग अहर्निश उनके पीछे पड़ा रहता है। यदि प्रेमी भूल से भी अक्षण भर के लिए स्वप्न में भी तो उन्हें दिखाई पड़ जाता है, तो उन्हें फिर चिंता हो जाती है। कुछ समय पश्चात वह फिर चला जाता है, अतः वे उन क्षणों का भरपूर आनंद नहीं उठाते। ऐसा प्रेम विरल ही होगा कि प्रेमी से मिलन हो रहा है, संयोग का संपूर्ण रस भर रहा है, और जिस क्षण के लिए कवि मर मर जी रहा है, वह जी जी कर मर रहा है। वह हाथ में है किंतु कवि को विषम वियोग की स्मृति वो कचोट रही है, और मिलन सुख कुछ भी आनंद नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट है संयोगशीलता। घनानंद का प्रेम जैसा प्रारंभ में कहा गया है, रूप जन्य है, नितांत लौकिक है और बहुत ही सुंदर है। अतः पूर्ण संभोग्य है, इसलिए उसकी जो प्रेमानुभूति है वो मिलन सुख से सुवासित है। उसमें रति सुख है, आलिंगन मिलन परिरंभण आदि सभी कुछ है, और इस तथ्य के संकेत अनेक स्थलों पर भी मिलते हैं। पर इस संयोगशीलता के होते हुए भी घनानंद के प्रेम में कहीं कालुष्य नहीं। रीतिकालीन अन्य कवियों की भांति उनका प्रेम वासना पंख से सर्वथा रहित है, उसमें उदात्त है। उनके लिए प्रेम मार्ग अत्यंत सरल है, वहाँ स्यानापन बांकपन नहीं। इसलिए तनिक भी छलयुक्त हृदय वाले व्यक्ति प्रेम मार्ग पर चलने में झिझकते हैं। उदात्तता तो अपना संपूर्ण व्यक्तित्व तो समर्पित करने पर ही आती है, और वह घनानंद के प्रेम में है। भौतिक होते हुए भी उनके प्रेम की वह उदात्तता ही है जिसके कारण अंत में वह ईश्वरोन्मुख हो गया है, और लोक पंक में मर्यादित प्रशांत गंभीर प्रेम हमें ऐसे खोजे नहीं मिलता। शुक्ल जी ने कहा है कि प्रेम का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के किसी भी श्रृंगारी कवि में नहीं है। तो ये थी भी घनानंद की प्रेमानुभूति। धन्यवाद।